उसके बारे में सारी बातें मशीन में भर के रेडियो में सब कुछ सुनाएंगे। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, आप उनके जवाब देंगे? मुझसे? अरे तू क्यों डरता है, तू जहाँ अटकेगा वहाँ मैं समझा दूंगा। जी नहीं, आपको बीच में नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलूंगा साहब, ये हमारा गांव का लड़का है। आप सवाल करो साहब, मैं जवाब दूंगा, पर इतना बता दो शहर में पारो और गांव में उसका बाप मुखिया सुन सकेगा? क्यों नहीं, वो लोग रेडियो लगाएंगे तो जरूर सुन सकेंगे। जरा ऊंची आवाज में पूछना जिससे सब साफ साफ सुन सके। माइक प्लीज। आपने सारे जिले में सबसे बढ़कर अनाज पैदा किया है, आपने खेती बाड़ी के बारे में कहीं शिक्षा ली है? शिक्षा की अच्छी कही साहब, ये तो अंगूठा छाप है। ए मिस्टर, बीच में मत बोलो। सॉरी सिस्टर। ये बड़े ताज्जुब की बात है, फिर भी किसी खेती बाड़ी के शिक्षक से आपने कुछ खास बातें तो सीखी होंगी। बशर बट्टू कहेगा। आप भी कमाल करते हैं साहब, जिस तरह मछली के बच्चे को तैरने और शेर के बच्चे को शिकार करने की शिक्षा नहीं लेनी पड़ती, उसी तरह किसान के बच्चे को भी ताशकारी सीखनी नहीं पड़ती। ये ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। ये हमारा ये बांके बाबू है अंगूठा छाप, लेकिन बात करता है हथौड़ा छाप। हे मिस्टर। कौन? बंद किया सिस्टर। एक सवाल और पूछता हूँ आपसे, आपकी नजर में गांव की जिंदगी और शहर के रहन सहन में क्या फर्क है? रेडियो साहब, फर्क तो वो बताए जिसने कभी शहर देखा हो। हम तो इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव भी कभी नहीं गए। ये धरती हमारी माँ है और इसकी गोद इतनी बड़ी है कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या मतलब, आज तक आप शहर गए ही नहीं? शहर का तो फोटो भी नहीं देखा हमने।